इस मॉड्यूल में हम क्लास पॉलीकिड्स के रीजनरेशन रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जितने भी पॉलीकिड्स हैं इनके अंदर एक रिमार्केबल प्रोसेस है रीजनरेशन का रीजनरेशन का मतलब है कि ये अपने जो ब्रोकन बॉडी पार्ट्स हैं उनसे एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं या कुछ ऐसे एनिलिट्स भी हैं जिनके अंदर कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं उन ब्रेक पॉइंट्स का मतलब है कि जब भी कोई प्रीडेटर इनके ऊपर अटैक करता है तो ये ब्रेक पॉइंट से अपनी बॉडी को सेपरेट कर देंगे और हर ब्रेक पॉइंट से एक नया इंडिविजुअल जो है वो फिर आरइज हो जाएगा और इस तरह से ये प्रीडेटर से भी अपने आप को एस्केप कर लेंगे कुछ पॉलीकेट्स इनके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी थ्रू बडिंग ट्रांसवर्स फीएन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें ऑब्वियसली एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और उसके लिए गोनेड्स हैं ओवरीज हैं और टेस्टिस हैं ज़्यादातर पॉलिकट्स जो हैं वो हैं डायश और गोनेड्स जो हैं दे डेवलप एज बेसिस ऑफ गैमेट्स एंड देन प्रोजेक्ट इन टू द फ्राम दिलोमिक पेरीटोनियम अब गोनेड्स जो हैं नॉर्मली हर बॉडी सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं लेकिन कुछ पोलिकीड्स के प्रीम प्रीमिटिवली ये कंडीशन थी कि गोनेड्स हर बॉडी सेगमेंट में मौजूद थे लेकिन अब कुछ पॉलीकीड्स के अंदर गोनेड्स जो हैं दे आर नॉर्मली स्पेसिफाइड टू सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी और उनसे गैमीड्स जो हैं दे आर शेड इंटू द सिलोम वहाँ पर यह फिर मेच्योर होंगे और जो मेच्योर फीमेल वर्म्स हैं दे ऑफन आर पैक्ड विद द एग्स फिर गैमीट्स जो हैं ऑब्वियसली इनके अंदर दे हैव टू एग्जिट आउटसाइड द बॉडी और थ्रू द मेटानेफ्रीडिया के जो नेफ्रोस्टोम्स हैं वहाँ पे एंटर होंगे एंड देन दे आर एग्जिटेड आउटसाइड द बॉडी थ्रू द मेटानेफ्रीडियो थ्रू द नेफ्रीडियोपोर या कुछ पैलिकिट्स में ऐसे भी हो सकता है कि दे वर्म्स जो हैं दे रप्चर एंड नॉर्मली दीज गैमिट्स आर प्रोपेल्ड आउटसाइड द बॉडी और कुछ केसेस में वंस दिस रपच्चरिंग टेक्स प्लेस फॉर द रिलीज ऑफ गैमेट्स एनिमल कैन आल्सो डाई फिर कुछ पोलिकट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेपरेट गोनोडक्ट मौजूद है और उस कंडीशन को नॉर्मली हम एक प्रीमिटिव कंडीशन कह सकते हैं अब चूंकि गैमिट्स जो हैं दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी तो जो फर्टिलाइजेशन होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और मोस्टली पोलिकीड्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लेकिन कुछ स्पीशीज जो हैं दे कैन आल्सो कपुलेट फिर इसके अंदर एक यूनिक कपुलेटरी हैबिट्स हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ मेल एंड फीमेल वर्म्स दे यूजुअली स्टॉप फीडिंग एंड देयर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दे बिगेन टू रिजनरेट एट दिस टाइम नॉर्मली कैमिट्स आर एक्यूमिलेटेड इन द बॉडी कैविटी और फिर इसके अंदर स्पर्म्स जो हैं मेल और फीमेल के दे आर ट्रांसफर्ड वंस द बॉडी दे क्वाय और उसमें मेल इंसर्ट्स द एनस इनटू द माउथ ऑफ द फीमेल फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ स्पर्म्स अब चूंकि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है वर्म्स का ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्योंकि वो डिजनरेट कर जाता है तो स्पर्म्स जो है वो मेल के सिलोम में आ जाएंगे और सारे का सारा सिलोम जो है नाउ दिस इज़ फिल्ड अप विद द एग्स और इस मेथड्स को अंदर जो है फीमेल नॉर्मली दे शेड देयर एग्स इन टू द एन एस और सून आफ्टर कपुलेशन वंस दे हैव ट्रांसफर्ड देयर गैमिट्स तो ये दोनों एनिमल्स जो हैं दे विल डाई अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे एपीटो अब एपिटोकी का प्रोसेस जो है वो क्या है इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के जब उसके अंदर ये गैमिट्स आ गए तो उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे अब कि वो इंडिविजुअल अब एक एपिटोक है यानी वो एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है और दैट डिफर्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ स्पीशीज अब एपिटोक जो है इसकी बॉडी सून दिस इज मॉडिफाइड इन टू टू रिजन्स एक एंटीरियर सेगमेंट और इसके अंदर दूसरा है पोस्टीरियर सेगमेंट अब एंटीरियर सेगमेंट जो है दिस विल नॉर्मली कैरी आउट नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ द एनिमल और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होगा वो एनलार्ज़ हो जाएगा एंड दैट इज़ फिल्ड अप विद द गैमेट्स। अब ये जो इंडिजुअल्स रिप्रोडक्टिव इंडिजुअल्स या एपीटोक जो हैं दे आर यूजली हैविंग नाउ मॉडिफाइड पैरापोडिया फॉर एफिशेंट स्विमिंग अब नॉर्मली जोआलोजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो एपीटॉक इंडिविजुअल्स हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं दे विल नॉर्मली हैव ए थ्री थिंग्स पहला इसके अंदर है कि इसके अंदर नॉर्मली रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं दोनों होंगे और नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो है दैट सेफ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर और प्रीडेटर्स जो हैं उस तक नहीं पहुंच सकते सेकंड उसके अंदर के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है दैट रिक्वायर्स द इंडिविजुअल बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एट द सेम टाइम दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वंस दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर दे बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फिर इसमें स्वार्मिंग जो है उसके दैट यूजली इंश्योर्स दैट लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर इन द राइट प्लेस एंड ऐट द प्रॉपर टाइम फिर थर्ड इसके अंदर जो लार्वा है जो डवेलप करेगा स्वमिंग ऑफ वास्ट नंबर ऑफ इंडिजुअल्स फॉर आ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम दैट यूजअली प्रीडेटर्स को एक चांस दे देता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिजुअल्स जो हैं एपीटोक्स जो हैं वो मौजूद है अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ पे है ये अवेलेबल है ओनली फॉर आ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रीडेटर पॉपुलेशन एक खास पीरियड के अंदर इसका नंबर इंक्रीज करता है थ्रू आउट द ईयर जो है वो इसका नंबर प्रे के लिए अवेलेबल या प्रीडेटर के लिए इतना ज़्यादा प्रे अवेलेबल नहीं होगा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीडेटर्स हैं कैन डाइन ग्लूटोनसली एंड स्टिल लीव एपीट दैट विल लीड टू द नेक्स्ट जनरेशन एनिमल ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीडेटर्स जो हैं वो इसके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को एज अ डाइट प्रेफर नहीं करते और ये इंडिविजुअल्स जो हैं नाउ दे कैन एस्केप टू बिकम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ देयर लाइफ और इसके अंदर फिर प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा क्लीवेज का प्रोसेस आएगा स्पायरल क्लीवेज है और इसके अंदर क्लीवेज के बाद अगला जो डेवलपमेंट स्टेज है वो है लार्वे की और इसके लिए जो इसमें पर्टिकुलर लार्वा है उसको हम कहेंगे प्लैंक टॉनिक ट्रोफो ट्रोकोफोर लार्वा दैट बर्ड और उसके ट्रोकोफोर लार्वा के बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स की अपेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये सेगमेंट्स की अपेरेंस का प्रोसेस एंटीरियर साइड से स्टार्ट होगा और टिल जो है एनस इसके अंदर बॉडी सेगमेंट्स ऐड होते जाएंगे और लार्वा जो है

माउथ इज़ ऑन द इंटीरियर साइड दिस इज एन एस बॉडी सेंटर में गट है एपिकल सेंस ऑर्गन्स हैं ये इसके अंदर सिलिएटिड बैंडस हैं इसकी फिर नेक्स्ट फर्दर डिवेलपमेंट हुई फर्दर डवेलपमेंट से इसमें आप देखिए ये बॉडी सेगमेंट्स एड होना शुरू हो गए दिस बॉडी सेगमेंट्स यूजली जो इसमें सेगमेंट्स हैं इनकी बर्डिंग होगी और उसको हम कहेंगे बर्डिंग मेटामैरिक सेगमेंट्स ड्यू टू दिस बर्डिंग जोन इज इंक्रीज बर्डिंग जोन इज इंक्रीज मीन मोर एंड मोर बॉडी सेगमेंट्स आर एडिड अब यहाँ पे आप देखें अडल्ट की फॉर्मेशन कंप्लीट है मोर बॉडी सेगमेंट्स आर एडिड नाव बॉडीज़ हैविंग टू एंड्स, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड पे माउथ है पोस्टीरियर एंड पे एनस है फिर इसके अंदर प्रोस्टोमियम विथ गेंगलियन इज प्रेजेंट है पेरिस्टोमियम है कनेक्टिव मौजूद हैं Ventral nerve cord is present throughout the body length. So, this is an excellent example of trochophore larva when it shows its development to become the adult annelid.